फ्रेंड्स, ये जो आप अपने सामने पिक्चर देख रहे हो ये बहुनिया का प्लांट है। इसके जो औषधीय गुण है वो जानकर आप आश्चर्य रह जाओगे कि इतने सारे इसके गुण होते हैं। अगर आपके घर में ये पौधा है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ये पौधा आप डेफिनेटली परचेज करना चाहोगे। इतने सारे इसके औषधीय गुण होते हैं कि इसकी जो बहुनिया की वेराइटी होती है वो 22 तरह की वेराइटी होती है, और इसके जो फ्लावर होते हैं, ये जो आप सामने फ्लावर देख रही है वाइट कलर की, इसकी जो वेराइटी है उसका नाम बहुनिया एक्यूमिनाटा। तो इसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, जो दूसरे वेराइटीज होते हैं उसके जो फ्लावर है बिल्कुल ऑर्चिड की तरह दिखती है, इसीलिए बहुनिया एक्यूमिनाटा का जो कॉमन नेम है उसे व्हाइट ऑर्किड ट्री या स्नोई ऑर्किड या डार्क व्हाइट बहुमिनिया कहा जाता है। तो इसके जो पत्ते होते हैं उसकी जो साइज की बात करें तो 6 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे और चौड़े हो जाते हैं, और बहुनिया एक्यूमिनाटा की हाइट की बात करें 2 से 3 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। और दूसरी बहुनिया की वेराइटी की बात करें तो इसमें जो वेराइटीज होती है वो लगभग 15 फीट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। पेड़ होते हैं बड़े बड़े पेड़, और ये ऑर्नामेंटल मेडिसिनल प्लांट है। और इसमें जो आप फ्लावर देख पा रहे हैं इसमें 5 पेटल के होते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर, और बीच में येलो येलो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें मेरे पास 2 वेराइटीज है, मैं पहले आपको थोड़ी डिटेल में इसकी बता देता हूँ कितनी कितनी वेराइटीज होते हैं और प्लांट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इसके गुणों के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। तो ये जो आप अपने सामने दूसरा पौधा देख पा रहे हो वो बहुनिया टोमेटोसा का प्लांट है, जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। अगर आपने भिंडी के फ्लावर देखा होगा तो बिल्कुल उसी तरह के भिंडी के फ्लावर की तरह होता है। अगर नहीं देखा तो मैं साइड में पिक्चर दे दूंगा, तो उसे आप देख सकते हो। और इसका कॉमन नेम की बात करें तो इसे येलो बहुनिया कहा जाता है, या येलो बेल ऑर्चिड ट्री भी कहा जाता है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुनिया एक्यूमिनाटा से थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और इसमें आपको देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके लिप्स भी होते हैं, और काफ़ी धीमी धीमी इसमें हल्की सुगंध भी आती है, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है दोनों प्लांट में ही। जितने भी तरह के बहुनिया के प्लांट होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। और इसमें मेनली अगर डिजीज की बात करें तो इसमें आपको मिली बग्स का अटैक देखने को मिलेगा, और दूसरा है मानसून बीज जो होते हैं वो इसके लीफ को कट कर देते हैं। आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से, जिसे कि लीफ कटर बीज भी कहा जाता है, वो इसके लीफ्स को काफ़ी बारीकी से इस तरह से कट कर देते हैं। वही 2 डिजीज मेनली मैंने अभी तक देखा है, और दूसरी अगर मुझे पता चलेगी तो मैं दूसरी वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। और इसके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर इसकी कुछ मैं वेराइटीज़ की बात करूं तो उसके मैं कुछ वेराइटीज़ के आपके नाम बता देता हूं, और उसके जो पिक्चर भी मैं साइड में दे दूंगा। बहुत सारे इसके जो वेराइटीज़ है उसकी तो डिस्कवरी भी है, मतलब डिस्कवर भी अच्छे से साइंटिस्ट रिसर्चर नहीं कर पाए हैं, उसके तो आपको फ़ोटो भी इंटरनेट पर ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, इतने सारे इसके वेराइटीज़ और इतने अच्छे फ्लावरिंग होते हैं कि। तो चलिए मैं कुछ वेराइटीज़ के नाम बता देता हूँ, जैसे कि पहली की बात करो तो बहुनिया भेरीगाटा है, दूसरी की बात करो तो बहुनिया पर प्यूरा है, तीसरी की बात करो तो बहुनिया एक्यूमिनाटा है, बहुनिया टोमेटोसा है, बहुनिया पिक्टासा है, बहुनिया वैभवी है, और इस तरह के बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो मैं लिस्ट दे दूंगा, आप चाहो तो पढ़ लेना, मैं सारे के वीडियो को नाम लेते रहूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब इसके कुछ औषधीय गुणों की बात कर लेते हैं। तो इसके औषधीय गुणों में इसके फूल लीफ और इसके जो छाल होते हैं उन सारे के इस्तेमाल में लिए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर इसके जो उपयोग होते हैं उसके छाल से ही उपयोग होते हैं। तो इसके छाल को काढ़ा बना कर अगर आप मुँह डेली सुबह शाम अगर कूला करते हो तो जो मुंह के बदबू होते हैं या अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और अगर इसके छाल को आप पाउडर बना लेते हो और पाउडर 3 ग्राम पाउडर पानी के साथ अगर सुबह शाम आप सेवन करते हो तो इससे पेट में होने वाले रोग या दस्त वगैरह ये ठीक हो जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और पेट की कृमि भी इससे समाप्त होती है, फोड़े फुंसी से भी इसमें राहत मिलती है। अगर इसके जो छाले होते हैं, छाले का अगर आप जलाकर कोयले के रूप में आप कर लेते हो, पाउडर बना लेते हैं, कोयले जो बच जाते हैं इसके राख, और उनसे दंत मंजन करते हो, जिससे दांत भी काफ़ी मजबूत होती है और मुंह में होने वाले सारे कीटाणु भी दूर हो जाते हैं, और इससे जो पेड़ की कृमि होते हैं उनसे भी काफ़ी राहत मिलती है। इनसे होने वाले से अंदरूनी और बाहरूनी जो ट्यूबर होते हैं उनसे भी राहत मिलती है। बहुत सारे इसमें
गुण पाए जाते हैं, ये तो मैं आपको कुछ ही एकाधिक गुण बता रहा हूँ। इसके टोटल अगर गुण बताने जाऊँ तो वीडियो और भी ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको बनाकर अलग से वीडियो बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कवर करने वाला हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हो। और एक बात मैं बता दूँ कि मैं कोई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए इन सब इस्तेमाल करने से पहले, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह मशवरा आप ज़रूर कर लें। तो अगर वीडियो आपको कैसी लगी हो और ये पौधा आपको काफ़ी अच्छी लगी या नहीं लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह के गार्डनिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए, कटिंग की वीडियोज़ और सीडलिंग के कैसे लगाते हैं वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो फिर मिलते हैं इस तरह का अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।